हाय गाइस, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ड्रीम इलेवन में फुटबॉल की टीम देने वाला हूँ। जो आज का मैच है नेशंस लीग का मैच, इटली वर्सेस बेल्जियम के बीच जो मैच है, मैं उसी का ही टीम देने वाला हूँ गाइस। तो मेरे साथ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं जो भी अपडेट दूंगा, जो भी सजेस्टेड प्लेयर के बारे में बोलूँगा, आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो। शुभो दुर्गा पूजो या पर से शुभ पंचमी। मैं स्टार्ट करूँगा आज का मैच। तो गाइस, यहाँ पर से जो आज का जो मैच है टीम ने प्रेडिक्शन दिया, पर से इटली उनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच यहाँ पर से 3 साल के बाद स्पेन से हरा है सेमीफाइनल में नेशंस लीग का। तो यहाँ पर से लगातार काफ़ी बढ़िया खेल रहा था, ड्रॉ कर रहा था, जीत रहा था, लेकिन हारा तक नहीं। लेकिन 3 साल के बाद फर्स्ट 2-1 से यहाँ पर से हारे थे। और यहाँ पर से द टीम वॉज डाउन टू 10 मैन, विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर डाउनफॉल। तो यहाँ पर से 10 मैन का हो गया था। यहाँ पर से पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था यहाँ पर से बोनोची को। बेल्जियम ऑन द अदर हैंड वर लीडिंग बाई 2 गोल्स विद बैक टू बैक गोल्स विच वॉज लॉस्ट बाई टीम, सो डिफेंस परफॉर्मेंस इन द डाइंग स्टेज ऑफ द गेम। तो यहाँ पर से बेल्जियम जो उनका 2 गोल से लीड कर रहा था, लेकिन बैक टू बैक गोल खा कर डिफेंस एकदम खराब हो गया था। और यहाँ पर से पिछले मैच में लॉस्ट किया था फ्रांस के साथ। तो यहाँ पर से देख सकते हो मैच का डिटेल्स है, इटली वर्सेज बेल्जियम। आज का मैच स्टार्ट होंगे 6 बजे से। ये मैच खेला जाएगा जुवेंटस स्टेडियम तुरिन, इटली में खेला जाएगा। यहाँ पर से प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 हो सकता है, जैसे इटली जो आज का मैच स्टार्ट करेंगे, डोनारूमा काफ़ी बढ़िया गोलकीपर है। यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट स्विंग से डेमराको। यहाँ पर से सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पर रहेंगे चेलिनी और बास्तोनी आज का मैच खेलेंगे। और यहाँ पर से कैलेबेरिया रहेंगे राइट विंग से, जो काफ़ी अच्छा डिफेंडर है। यहाँ पर से कैलेबेरिया और चेलिनी, बोनुंची आज का मैच नहीं खेलेगा। उसके बाद यहाँ पर से सेंट्रल मिडफील्डर यहाँ पर से रहेंगे पेलिग्रेनी, जो काफ़ी बढ़िया गोल स्कोरर है टीम का। और यहाँ पर से राइट से स्टार्ट करेंगे बैडेला और मिडफील्ड पे रहेंगे लोकटेली। यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे एज ए स्ट्राइकर पे, जैसे रस पडोड़ी, चिएसा और बाकर बैराडी। चिएसा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अभी तक। बेल्जियम की तरफ से आज का मैच स्टार्ट करेंगे मिग्नोलेट, जो गोलकीपर है उनका। आज का मैच मिग्नोलेट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे साले मेकर्स लेफ्ट डिफेंडिंग, राइट से अल्डरवेल्ड इंपॉर्टेंट डिफेंडर है। उसके सेंट्रल डिफेंड पर रहेंगे बोयाटा और वेट्रेगन, जो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन डिफेंसिव कोलैप्स होने के बाद बेल्जियम पिछले मैच में जीता हुआ मैच हार गया था। उसके बाद डी ब्रुइन, यहाँ पर से वानेकेन, विट्सेल, ट्रॉसार्ड और कैरेसा को आज का मैच खेलेंगे। आज का मैच स्टार्ट करेंगे 4-5-1 से स्टार्ट करेंगे बेल्जियम। लुकाकू काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, चेल्सी की तरफ भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन की थी। दोनों टीम के जो टॉप स्कोरर के बारे में बात कर लेते हो, तो यहाँ पर से लॉरेंजो पेलिग्रेनी अभी तक 2 गोल मार चुका है। और बेल्जियम का रोमेलु लुकाकू 6 गोल अभी तक मार चुका है, टॉप स्कोरर है अभी तक यहाँ पर से रोमेलु लुकाकू जो नेशंस लीग में। यहाँ पर से हम अगर गोलकीपर के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर से डोनारूमा जो काफ़ी बढ़िया गोलकीपर का ऑप्शन है। यहाँ पर से 15 सेव और 4 क्लीन शीट अभी तक नेशंस लीग में किया है। और काफ़ी फोकस है, इंपॉर्टेंट मैच है आज का मैच। यहाँ पर से 3 और 4 डिसाइड होंगे आज के मैच के। डिफेंडर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे चेलिनी काफ़ी बढ़िया डिफेंडर है, काफ़ी दिनों से खेल रहा है। यहाँ पर से बोनोची पिछले मैच में रेड कार्ड था, तो आज का मैच काफ़ी बढ़िया चेलिनी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कैलेब्रिया जो काफ़ी बढ़िया डेब्यू करेंगे, पीछे यहाँ पर से इंटरनेशनल डेब्यू किया था और फुल लेंथ यहाँ पर से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर से गोल भी था इस सीज़न और काफ़ी बढ़िया इनकाउंटर पर यहाँ पर से क्रिएट कर सकता है कैलेब्रिया। और एक डिफेंडर के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर से अल्डरवेल्ड जो काफ़ी बढ़िया खेल रहा है अभी तक। लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया क्रिएटिंग किया था, काफ़ी जेन्युइन टैकल किया था, गुड इंटरसेप्शन था और काफ़ी बढ़िया डिफेंस किया था अल्डरवेल्ड ने। मिडफील्डर के बारे में बात करते हैं, जैसे पेलिग्रेनी काफ़ी बढ़िया वर्क करता है और यहाँ पर से आज का मैच स्टार्ट कर सकता है और क्रूशियल गोल भी डाल सकता है। तो यहाँ पर से बिराडी जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक, नवंबर मंथ से काफ़ी बढ़िया खेल रहा है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर से क्रूशियल गोल भी डाल सकता है और काफ़ी बढ़िया उनको स्क्वाड में रखा है। बैडेला जो काफ़ी बढ़िया डिसेंट खिलाड़ी है मिडफील्ड पे, यहाँ पर से उनका कंसिस्टेंट और अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। गोल दागने का, गोल असिस्ट करने का क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर से केडी ब्रुइन जो काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है, यहाँ पर से काफ़ी बढ़िया एबिलिटी है गोल का। यहाँ पर से कैरेसा को भी काफ़ी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, तो मैं उनको भी मेरे टीम में रखूंगा। और फॉरवर्ड पे यहाँ पर से एकमात्र खिलाड़ी लुकाकू के साथ जाऊंगा। ये काफ़ी खिलाड़ी है, डेली टू डेली इम्प्रूव कर रहा है, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है और काफ़ी बढ़िया पावर जनरेट कर सकता है।
तो गाइस अब मैं टीम क्रिएट करूंगा यहाँ पर से नेशंस लीग का, इटली वर्सेस यहाँ पर से बेल्जियम का जो यहाँ पर से है फर्स्ट, यहाँ पर से गोलकीपर का जो पोजीशन रहेगा काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर से डोनारुमा का है। जैसे यहाँ पर से डोनारुमा को मेरे टीम में पिक किया जो सेव रहेगा आज का मैच के लिए, उसके बाद यहाँ पर से अल्डरवेल्ड को मेरे टीम में पिक करूँगा, चेलनी के साथ जाऊँगा यहाँ पर से पिक करूँगा, काफ़ी बढ़िया चॉइस जो यहाँ पर से हो सकता है, मैं कैलेब्रिया को मेरे टीम में पिक करूँगा जो आज का मैच स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से एक ही बात कहना है क्योंकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर से बोनोची को अपनी टीम में पिक किया, 61% आज का मैच नहीं खेलेगा गाइस, रेड कार्ड उनको मिला है। मिडफील्ड ऑप्शन पर यहाँ पर से मैं जाऊँगा डी ब्रुइन के साथ जो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर से कैरासागो को मेरे टीम में पिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर से पेलिग्रिनी के साथ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पर से पिक करूँगा बेरेडी को, यहाँ पर से और एक खिलाड़ी को पिक करूँगा जैसे यहाँ पर से बेरेला को मेरे टीम में पिक करूँगा, यहाँ पर से और एक डिफेंडर को मैं ले लूँगा, यहाँ पर से स्ट्राइकर और पिक करूँगा, लुकाकू को मेरे टीम में पिक करूँगा, अभी तक कोई भी यहाँ पर से चेसा को मेरे टीम में पिक करूँगा। यहाँ पर से दो ऑप्शन है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसके बाद मैं ट्राई करूँगा इनसाइड और इमाइल को। तो गाइस ये रहेगा मेरा फाइनल टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन का जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर से लुकाकू जो काफ़ी बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद चेसा, डी ब्रुइन, कैरासेको, पेलिग्रिनी काफ़ी बढ़िया चॉइस है कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो यहाँ पर से कैप्टन का जो ऑप्शन मैं यहाँ पर से रखूँगा लुकाकू को, उसके बाद वाइस कैप्टन का ऑप्शन मैं यहाँ पर से केडी ब्रुइन को मेरे टीम में पिक करूँगा, और यहाँ पर से आपके पास चॉइस आपका भी अच्छा रख सकते हो, पेलिग्रिनी के साथ जा सकते हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गाइस, ऑल द बेस्ट आज के मैच के लिए। यहाँ पर से आप हेड टू हेड स्मॉल लीग में काफ़ी अच्छा इनकम कर सकते हो आज का ये मैच खेलकर। तो यहाँ पर से मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ जानने के लिए जरूर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही टीम देता हूँ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।